इंट्रोड्यूसिंग रियलमी एक्स टू। दोस्तों 24 सितंबर को लॉन्च होने वाला है रियलमी एक्स टू चाइना में, और उसके कुछ ही टाइम बाद ये फ़ोन लॉन्च होगा इंडिया में भी। दोस्तों ये फ़ोन आपको काफ़ी धमाकेदार फीचर्स के साथ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको इसमें मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, साथ में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी एक्स टू के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों Realme X2 Redmi K20 किलर होने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको Redmi K20 से बेटर फीचर्स देखने को मिलेंगे, साथ में इसकी प्राइस भी आपको Redmi K20 से कम देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों फ़ोन की बैक साइड में आपको मिलेगा ग्लास का बैग, जिसपे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी, और आपको मिलेगी 3D ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, और आपको क्वाड कैमरा सेटअप फ़ोन की बैक साइड में देखने को मिलेगा। दोस्तों फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले होने वाली है। रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का, और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 403 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, कोई भी कलर सेचुरेशन में इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा, और चौथा कैमरा भी आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा। दोस्तों रियर कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और आपको अल्ट्रा नाइट मोड का ऑप्शन और भी कई सारे फीचर्स कैमरा में देखने को मिलेंगे। तो कैमरा की क्वालिटी आपको काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। साथ में आपको मिलेगा एड्रेनो 618 का GPU। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगी, कोई भी गेम आप आराम से खेल पाएंगे, कोई भी लैग हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम, और कस्टम UI आपको मिलेगा कलर OS 6.0 का। दोस्तों फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, जो कि 30W की VOOC 3.0 की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। Type-C का सपोर्ट आपको मिलेगा, और 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट और इसकी प्राइस के बारे में। तो फ़ोन में आपको 3 रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 64GB, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB, और तीसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। दोस्तों अगर बात करें फ़ोन की प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर जो बेस्ट वेरिएंट होने वाला है, यानी कि 6GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग 20 से 22,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको 20 से 22,000 रुपये में फ़ोन में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया होने वाला है, इस फ़ोन में आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन 24 सितंबर को लॉन्च होने वाला है चाइना में, और इसकी इंडियन लॉन्च के बारे में बात करें तो ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है अक्टूबर के मिड तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।